बीच एक बड़ी खबर भोपाल से भी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, आपको बता दें। और एमपी में विधानसभा की समितियों का गठन, ये बड़ी खबर इस वक्त की। अजय विश्नोई बने प्राकलन समिति के सभापति, तो भोपाल से खबर। और लोक सेवा समिति के अध्यक्ष बने हैं भंवर सिंह शेखावत। एमपी में विधानसभा की समितियों के गठन की खबर आ रही है, अजय विश्नोई बने हैं प्राकलन समिति के सभापति। लोक सेवा समिति के अध्यक्ष बने भंवर सिंह शेखावत। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार के साथ। एमपी में विधानसभा समितियों का गठन हुआ। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, मध्यप्रदेश विधानसभा की जो समितियां हैं उनका शुरुआती तौर पर गठन हो गया। कई सारी समितियां होती है, लेकिन अभी प्रारंभिक रूप से 5 समितियों का गठन जो है मध्यप्रदेश विधानसभा की कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण समिति होती है प्राकलन समिति। सीनियर एमएलए और पूर्व मंत्री जो है अजय विश्नोई, इनको सभापति बनाया गया है इसका। और इसी तरह से लोक सेवा समिति की जो अध्यक्ष है वो भंवर सिंह शेखावत बनाए गए हैं। दोनों ही लीडर काफी सीनियर हैं। और अगर हम देखें लोक सेवा समिति में अगर सदस्यों की बात भी करें तो जयंत मलैया और भूपेंद्र सिंह जैसे सदस्य बनाए गए हैं। वहीं प्राकलन समिति में ओम प्रकाश दुर्वे और मालिनी गौर सदस्य हैं। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति है जिसमें अगर हम बात करें तो उषा ठाकुर को सभापति बनाया गया जो पूर्व मंत्री है, और सदस्य के रूप में सुरेंद्र पटवार इसमें शामिल किए गए हैं जो पूर्व मंत्री हैं। 2 महत्वपूर्ण समितियां और बनाई गई हैं जिसमें पंचायती राज लेखा समिति और स्थानीय निकाय समिति, इसमें रमेश मेंदोला सभापति बनाए गए। हम देखें इन समितियों पर नजर डालें तो जो मंत्री पद के कई सारे दावेदार थे मंत्री नहीं बनाए गए उनको सभापति बनाया गया। इसकी जो समिति है उसमें इस बार बिसाऊ लाल सिंह सभापति है। वहीं पिछड़े वर्ग के लिए जो समिति बनाई गई है उसमें पूर्व मंत्री महेंद्र हाडिया को सभापति बनाया गया है। तो अब 6 समितियों का गठन किया गया है। 6 समिति में उन सीनियर लीडर्स को जगह दी गई है जो कहीं ना कहीं मंत्री पद के दावेदार थे। जी बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।